नमस्कार, मैं अभिजीत आप सबका देसी फूड फंडा में स्वागत करता हूँ। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। मटर पनीर मसाला बनाने के लिए हम लेंगे पनीर, मटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, बॉइल्ड ओनियन और टोमेटो पेस्ट, कर्ड, फ्रेश क्रीम, सॉल्ट टू टेस्ट और गरम मसाला पाउडर। एक पैन में हमने 2 चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, जिससे जिंजर गार्लिक का एरोमा तेल में समा जाए। ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ डाल दिया है 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर। हमने 2 बड़े प्याज और 2 बड़े टमाटर को बॉईल करके मिक्सी में पीस लिया है। उसका पेस्ट भी हम मसाले के साथ ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए नए कुकिंग वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। कुछ देर फ्राई करने के बाद हम 1 चम्मच दही मिलाएंगे। दही को हमने प्रेस से निकाल के अच्छी तरह फैट लिया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को कम रखेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम 1 कप फ्रेश मटर ऐड कर देंगे। ढककर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। दो मिनट बाद चेक करेंगे। एक चम्मच फ्रेश कुकिंग क्रीम मिलाएंगे। कुकिंग क्रीम मिलाने से बहुत बढ़िया क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। आधा कप पानी मिलाएंगे। अब हम 1 चम्मच होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाले को मिक्स करने के बाद में 250 ग्राम पनीर के पीसेस मिलाएंगे, जिसको कि हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है।
थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया मिलाएंगे। ढक देंगे, ढककर 2-3 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। प्लीज हिट द लाइक बटन। दो मिनट बाद चेक कर लेंगे, हमारा मटर पनीर मसाला बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना शानदार दिखाई दे रहा है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसको डिश आउट कर लेंगे। मटर पनीर मसाला को गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खुद भी खाएं और दोस्तों को भी खिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।